अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ियों की ट्रायल शुरू, 250 खिलाड़ी हुए ट्रायल में शामिल। ट्रायल के दौरान 15-15 खिलाड़ियों की बनाई जाएगी चार टीमें, उसके बाद होगा सिलेक्शन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आज अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ियों की ट्रायल प्रक्रिया शुरू की गई। अजमेर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष इलियास कुरैसी ने बताया कि ट्रायल में अजमेर संभाग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन कर चार टीमें बनाई जाएंगी। उनका एक अलग से ट्रायल होगा, जिसमें से एक टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। अजमेर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हाजी शकील अब्बासी ने बताया कि कोरोना काल से क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेल नहीं पाए, ऐसे में कई खिलाड़ियों की उम्र 19 वर्ष से ऊपर भी हो चुकी है। के अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, किशनगढ़, नसीरबाद, पुष्कर, सरवाड़ आदि क्षेत्रों से खिलाड़ी अंडर 19 ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रायल में क्रिकेट कोच मुकेश पाल, पृथ्वीपाल सिंह सहित अनेक विशेषज्ञ तकनीकी स्तर पर खिलाड़ियों का चयन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अंडर 19 की जो ट्रायल चल रही है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अंडर 19 का जो टूर्नामेंट है पूरे और तमाम राजस्थान के सूबों में, जिलों के अंदर आज अंडर 19 की ट्रायल रखी गई है, जिसमें अजमेर ज़िले ने भी अपनी ट्रायल रखी अंडर 19 की। और ये अंडर 19 का टूर्नामेंट 25 फरवरी से स्टार्ट होगा, उसी के संदर्भ में पूरे अजमेर ज़िले से, जिसके अंदर पुष्कर, केकड़ी, सरवाड़, किशनगढ़, ब्यावर तमाम जिलों के बच्चों ने आज अजमेर के अंदर 19 के अपना प्रशिक्षण दिया, जिसके अंदर तमाम अजमेर जिला क्रिकेट एसोसिएशन आज पूरी तरीके से अपने आज प्रशिक्षण शिविर के अंदर लगी हुई है। इसके अंदर से आज 200 से 250 बच्चे आएँ, इसमें हम चार टीमें बनाएंगे, हर टीम में 15 बच्चे रखेंगे और चार टीमों के अंदर जो भी बच्चा आगे खेलेगा अच्छा, तो हम 22 या 23 तारीख को जो भी टीम की घोषणा होगी उसके आधार पर करेंगे। इसमें अभी हम लोग परसों से इसमें से 250 में से 60 बच्चे छाट कर 15-15 बच्चों का एक एक पूल बनाकर चार टीमें बनाएंगे और उसी संदर्भ में, उसी के हिसाब से हम लोग अजमेर जिला क्रिकेट एसोसिएशन टीम की घोषणा करेंगे। नहीं, आज क्या है, 19 का टूर्नामेंट कराए और तमाम अजमेर ज़िले से पूरे बच्चे आए और पूरे ज़िले लेवल पे टूर्नामेंट चल रहा है 19 का। उसके अंदर जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, 200-250 बच्चे आए, उसके अंदर से बच्चों को आज टीमें बनाई गई, चार टीमें करके जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे आगे ज़िले लेवल पर टीम के अंदर हम घोषित करेंगे। कितने साल बात में ये आपका हुआ ये कोरोना काल से पूरा क्रिकेट टूर्नामेंट बंद करा था, अब जाके कोरोना काल थोड़ा कम हुआ, सर दहशत कम हुई, बच्चे भी बहुत टाइम से टूर्नामेंट खेलना चाह रहे थे और बच्चे बच्चों के भविष्य भी ओवर एज भी हो गए, तो उसकी तरह से अब जाके सब कोरोना महामारी से रिलीफ मिला है, तो अभी टूर्नामेंट सब राजस्थान लेवल पे आज से टूर्नामेंट चालू होगा। अजमेर कहाँ कहाँ से बच्चे आए? अजमेर में नसीराबाद से आए, केकड़ी से आए, मतलब पूरे ब्यावर से आए, पूरे अजमेर ज़िले के बच्चे आ गए और अच्छा सिलेक्शन चल रहा है। अंदर संभाग के पूरे बच्चे आ गए, इसको अजमेर जिले लेवल पे खेलेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उस बच्चे को टीम में जगह दे देंगे। बच्चों को कौन उनके टेस्ट देख रहे? अच्छा, हमें अपने मुकेश पाल जी अपने देख रहे हैं, अपने पृथ्वीपाल जी देख रहे हैं और अपने प्रशांत शर्मा जी देख रहे हैं, राजेश बटाना सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष हरिनायक डॉक्टर जी और अपने बून सब सिलेक्शन कोच सब देख रहे हैं। टोटल 250 बच्चे अजमेर जिले के। आपका नाम? इलियास कुरैशी, क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष, अजमेर जिला। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में चार प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में चार दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।